अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक द साइंस फैक्टर, पेज नंबर 34, यूनिट 3 द प्लांट वर्ल्ड। यूनिट 3 द प्लांट वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर्स, फर्न्स एंड प्लांट सेल। सीड्स एंड स्पोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यहाँ तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 40 से, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्मिनेशन क्या है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से सीड्स में ग्रोथ स्टार्ट होती है, जर्मिनेशन कहलाता है। यानी कि सीड्स में ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, वो प्रोसेस जो है वो हमारा जर्मिनेशन कहलाता है। सीड को कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जब ये प्रॉपर अमाउंट में इसको मिलती हैं तो इसमें जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ये तकरीबन 4 एसेंशियल थिंग्स होती हैं जिनकी सीड को प्रॉपर अमाउंट में नीड होती है जर्मिनेट करने के लिए। इन 4 एसेंशियल थिंग्स में हमारे पास वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट शामिल हैं। जब सीड ये 4 एलिमेंट्स रिसीव करता है तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। अपनी बुक के पेज नंबर 41 पे देखें, यहाँ पर हमें डायग्राम के ज़रिए से सीड में जर्मिनेशन के डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो दिखाए गए हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में सीड जो है वो ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर डिज़ोल्व होता है फूड में जो कि सीड के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है, जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड में पढ़ चुके हैं। डिज़ोल्व फूड जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे सीड में मौजूद एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट करता है। यानी कि जो डिज़ोल्व फूड होता है वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू करता है और फिर एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता है। एम्ब्रियो साइज़ में बड़ा होता है और ये सीड कोट को ब्रेक करता है। सीड कोट को ब्रेक करता है, जो सीड कोट ऑलरेडी वाटर को सॉक करके यानी कि एब्जॉर्ब करके अपने अंदर जज्ब करके सॉफ्ट हो चुका होता है, एम्ब्रियो के ग्रो करने से ये ब्रेक हो जाता है। रूट्स जो हैं वो प्लांट का फर्स्ट पार्ट होती हैं, जो कि ग्रो करती हैं डाउनवर्ड यानी कि ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ ग्रो करती, और कॉटिलीडन्स यानी कि सीड लीफ जो है वो शूट कंटेन करती है, जो कि अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है तो इसके ऊपर मौजूद सीड कोट जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब शूट ग्रो करके सरफेस पे आता है तो ये अपने लिए फूड बनाने के काबिल हो जाता है लाइट और सनलाइट की, हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि हीट और सनलाइट की मौजूदगी में ये अपने लिए फूड बनाने के काबिल हो जाता है। जब प्लांट अनेबल होता है फूड कंटेन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, तो कॉटिलीडन लीव्स जो हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये ग्रीन होती हैं तो फिर प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से अपने लिए जो है वो फूड प्रिपेयर करने शुरू कर देता है, जो कि रूट्स जो हैं वो ज़मीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करना शुरू करता है। जब प्लांट अपने लिए अपना फूड जो है वो खुद बनाना शुरू कर देता है तो फिर ये जो है वो एक मुकम्मल प्लांट की शक्ल में आ जाता है और फिर इस पर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्लावर्स सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यू प्लांट की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 42। यहाँ हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग सीड्स, यानी कि सीड्स जो हैं वो किस तरह से स्कैटर होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि सीड्स आर फॉर्म इन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट। सीड्स जो हैं वो प्लांट के फ्लावर्स में फॉर्म होते हैं। टू जर्मिनेट दे नीड टू मेक देयर वे टू द ग्राउंड, और ये इनके ज़रिए से जर्मिनेशन का प्रोसेस भी होता है। बिकॉज अ प्लांट कैन प्रोड्यूस मैनी सीड्स, द सीड्स डोंट जस्ट फॉल फ्रॉम देयर फ्लावर टू द ग्राउंड बेनिथ देम। इफ
this happened, there would not be enough space to nutrients for all the seeds to grow into new plants. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सीड्स जो हैं वो फ्लावर से जो है वो ज़मीन पर गिरते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उनसे न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों. कुछ सीड्स जो हैं उनसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, और बहुत से सीड्स जो हैं ऐसे भी हैं जिनसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. वो सीड्स जिनको फोर एसेंशियल थिंग्स जिनकी हमने पीछे बात की, जिनमें हमारे पास वाटर, एनर्जी, लाइट और हीट शामिल हैं, जब उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलती हैं तो ही सीड्स से जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. सीड्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से स्कैटर होते हैं. सम सीड्स आर स्टिकी और हैव हुक और स्पाइक्स. सम सीड्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, उनमें हुक्स और स्पाइक्स होती हैं. दिस मीन्स डेट वेन एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स ब्रश अगेंस्ट देम दे स्टिक टू द एनिमल अंटिल दे ड्रॉप टू द ग्राउंड इन अ डिफरेंट प्लेस. यानी कि ये एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और ये फिर ड्रॉप होते हैं एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपकने के बाद डिफरेंट जगह पर. जैसा कि ये हमें हुक्स सीड्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि हुक्स सीड्स जो है वो इस तरह से होते हैं. पेज नंबर 43 पे हम बात करेंगे पपाया सीड्स यानी कि फ्रूट सीड्स की. सम सीड्स ग्रो इन अ फ्रूट, द फ्रूट इज ईटन बाय एनिमल्स एंड द सीड्स आर कैरिड समवेयर एल्स इनसाइड द एनिमल्स बॉडी. दे कम आउट ऑफ द बॉडी इन द एनिमल्स वेस्ट एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड. यानी कि एनिमल्स जो हैं वो फ्रूट्स को अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं, और फिर जो है इनके वेस्ट के ज़रिए से ये एक जगह से दूसरी जगह तक स्कैटर होते हैं. सम सीड्स आर वेरी लाइट, कुछ सीड्स बहुत लाइट होते हैं, विच मीन्स Some seeds are very light, which means they are blown through the air even in the softest of breeze. यानी कि कुछ seeds ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा light होते हैं, जैसे कि dandelion seeds. और ये जो है हवा के ज़रिए easily एक जगह से दूसरी जगह जो है वो scatter हो जाते हैं. Some seeds are not only light, कुछ seeds सिर्फ light नहीं होते but also shaped like wings. इनकी shape wings like होती है, which help them travel further through the air, जो कि इनको help करते हैं एयर में ट्रैवल करने में. सम प्लांट्स प्रोड्यूस हैवी सीड्स, कुछ प्लांट्स हैवी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं दैट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्राउंड पे फॉल होते हैं ग्रेविटी की वजह से. दिस प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते. सो दे अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स कम्पेटिंग फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस. यानी कि इनको फैलने के लिए लिमिटेड अमाउंट चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है. बुक के पेज नंबर 44 पे देखें. सम सीड्स लिव इन सीड पोर्ट्स, कुछ सीड्स सीड पोर्ट्स में होते हैं. दीज पोर्ट्स ब्रस्ट सडनली, ये जो हैं वो खुलते हैं द थ्रू द सीड्स आउट ओवर आ लार्ज एरिया. जैसे ये ब्रस्ट ओपन होते हैं यानी कि एकदम से फटके खुलते हैं तो इनके सीड्स जो हैं वो थोड़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं, लाइक ल्यूपिन सीड्स. सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड और देन वॉश्ड अशोर वेयर दे स्टार्ट ग्रोइंग. अ कोकोनट इज अ सीड, इन फैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट. कुछ सीड्स जो हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं और बहुत दूर तक जो हैं वो वाटर के ज़रिए से चले जाते हैं, जैसा कि कोकोनट सीड. और कोकोनट सीड जो है वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा सीड होता है. कोकोनट का सीड जो है वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा सीड है. इट इज़ सो दैट दे कैन फ्लोट. कोकोनट ऑफन ट्रेवल हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन वाटर अंटिल दे फाइंड अ न्यू प्लेस टू टेक रूट. द हार्ड शेल प्रोटेक्ट देम ऑन द लॉन्ग जर्नी. कोकोनट सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ट्रैवल हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन वाटर. यानी कि पानी पर ये तैरते तारते हंड्रेड या थाउजेंड किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो तय कर लेते हैं, जब तक कि ये कहीं पर साहिल तक नहीं पहुँच पाते और इनकी रूट्स जो हैं वो नहीं बनना शुरू होती. और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी जो है वो कवर करते हैं और इनके ऊपर जो है वो हार्ड शेल होता है जो कि इनकी प्रोटेक्शन करता है. आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.